धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाए उसको रंक बना देता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। आइए जाने जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाए। बहुत से लोग झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, और जो धन और जो समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है और घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर बिल्कुल भी ना रखें यह चीज़ें। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को